हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहले कर लेना चाहिए था। क्या मतलब? आपके इन गलत इरादों को रोकने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गए राजेश? क्या मैंने तुम्हें इसलिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि तुम एक दिन मेरा अपनी माँ का खून करो? माँ नहीं, सौतेली माँ। और आपने ऐसे भी मेरी पत्नी को मार कर अपना सौतेलापन दिखाई दिया ना। स्पॉट मेकअप को भेजो रिटच के लिए। और वो मेरी न्यू विग कहाँ है? क्या बोल रहे? पत्नी को नहीं, मंगेतर को मारकर एक दिन शूटिंग में नहीं आया तो सीरियल की हीरोइन के साथ अपना रिश्ता ही भूल गए। सॉरी सर, एक्चुअली वो अवार्ड फंक्शन के रिहर्सल से सीधे आ रहा हूँ ना। रिहर्सल की स्क्रिप्ट और ये स्क्रिप्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो यार, तुम कहीं से आओ, रिहर्सल से आओ या घर से आओ, लेकिन लाइन तो सही याद करके आओ। सर एक बार फिर से ले ले। अरे नहीं नहीं, अरे टेलीविजन सीरियल है यार, टाइम की बड़ी मारा मारी रहती है, रिटेक का टाइम नहीं है। अरे वो पत्नी की जगह हम मंगेतर डब करा लेंगे। जाओ तुम ड्रेस चेंज करके आओ। ये शिल्पा नहीं आई अभी तक? सर दो मिनट, मैं बुला के आता हूँ। चैनल वालों ने उसकी तारीफ क्या जरा सी कर दी, उसके तो नखरे ही चढ़ गए। नखरे? अरे डायरेक्टर साहब, नखरे क्या, उसने तो अजीब अजीब तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। अगर वो बीमार है तो जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आप उसे एक महीने के लिए अपने सीरियल में कोमा में नहीं डाल सकते। कोमा में भेज दे। और सीरियल किससे चलाएं? आपके और आपकी रसोई की नोकझोंक पे। याद रखिए कि लोग ये सीरियल सिर्फ शिल्पा की वजह से देखते हैं, और वैसे भी अब उसकी तबीयत ठीक हो गई है। हाय शिल्पा। हाय सर। तुमने आगे का सीन पढ़ा? सॉरी सर, मैं पढ़ नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सीन समझा देता हूँ। नेक्स्ट जो सीन हम करने वाले हैं वो एक एक्शन सीन है। इस सीन में तुम और उमंग गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी तुम चला रहे हो। है क्या? गाड़ी मैं चला रही हूँ। हाँ, और गाड़ी चलाते चलाते तुम उसे अपनी शादी की डेट बताती हो, और फिर क्या? फिर तुम्हारी नजर रियर व्यू में जाती है और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। गाड़ी नहीं चलाऊंगी मैं। आपने करे सर, मैं ड्राइव नहीं करूंगी। मैं ड्राइव नहीं करूंगी। कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, मेरा पीछा कोई नहीं करेगा। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। मैडम आप शांत हो जाइए, प्लीज आप शांत हो जाइए। नहीं मैं कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, कोई गाड़ी नहीं था। तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाने का नहीं था। सॉरी सॉरी शिल्पा। शिल्पा 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 कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी आप अपने घर में हैं, अपने रूम में। मुझे हुआ क्या था? कुछ खास नहीं, बस शूटिंग करते हुए तुम एकदम से बेहोश हो गई थी। फिर से? कहीं मैंने किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। निर्मला, शिल्पा मैडम की सेट पर फोन करके बोल दो कि अगले दो दिन वो शूट पर नहीं आएंगे। ओके जी, मैं बता दूंगी। तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है, शूटिंग की टेंशन मत लो, हम सब देख लेंगे। ज्यादा सोचो मत, अब आराम करो। सब मेरी बहन कब ठीक होगी? 5 महीने हो गए। डॉक्टर, हमने माता जी को भी घर से अलग रखा हुआ है, शिल्पा की हालत वो देख नहीं पाएंगे। डॉक्टर देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर वो डिप्रेशन के साथ साथ भ्रमित होने लगी। अब वो खुद से ही ठीक नहीं होना चाहेगी तो दवाइयाँ असर नहीं करेंगे। आप ख्याल रखिए। गुड नाइट।
थैंक यू डॉक्टर। जयंत तुम्हें सुबह सिर्फ चिल्पा से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि वो सब कुछ भूल जाए। तुम्हें मालूम है ना डॉक्टर ने क्या कहा है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है मैं सुबह शिल्पा से बात करूं। ठीक हो जाएगा। मैडम क्या हुआ? निर्मला तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अरे हाँ रे हाँ, मेरे ही कब्जे में है। देख उसकी बीवी को फोन कर, बोल रोकड़ा दे और ले जाओ उसे यहाँ से, समझा? क्या टीवी हीरोइन शिल्पा मेरे पास? क्यों? एक मर्डर करवाना। क्या? हाँ सुना है तुम पैसे लेकर लोगों का खून करते हो। ये रहे तुम्हारे पैसे और ये उसकी फोटो जिसे मारना है। ये क्या है, तुम अपने आप को ही मरवाना चाहती हो? मगर क्यों? ज्यादा सवाल नहीं टोनी, तुम्हें अपना दाम मिल गया है, अब बस तुम अपना काम करो। कब मारना होगा? 2 दिन के अंदर। और हाँ एक बात का खास ध्यान रहे, मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि कब कहाँ और कौन मुझे मारने वाला है।
अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे सर बुला रहे हैं। हेलो क्या अंकिता है और आदमी का नाम जयंत है सर। इस तरह से गोली चलाई गई है, ऐसा लगता है कि खूनी कोई पेशेवर आदमी है। सर, इस आदमी के फोन के स्पीड डायल इसमें सबसे पहला नंबर किसी शिल्पा का, मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है, वो कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर एक बार फिर से आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर। और निखिल, दोनों लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर। हेलो, एम्बुलेंस। अबे हुआ क्या था? सर, जैसे ही गोली की आवाज आई मैं भाग के बाहर आया, लेकिन मेरे आने से पहले ये लोग मर चुके थे साहब। लेकिन हाँ, मैंने दो आदमी को इस तरफ भागते हुए देखा था साहब। इस तरफ? हाँ, इस तरफ। कहाँ पे देखा? सर, उसमें से एक आदमी फिसल के गिर गया था, लेकिन जैसे मैं उसे पकड़ पाता दूसरा आदमी काली गाड़ी रिवर्स में लेके आया, तो दोनों उसमें भाग गए सर। गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया तुमने? जी जी सर, गाड़ी के नंबर प्लेट की लाइट बंद थी सर। सर, यही पे गिरा था आदमी। हाँ, यही पे सर। जिस ब्रांड को पहचानते हो? ये नहीं सर। जो पहने हुए देखा था? नहीं। ये रिस्टबैंड आप में से किसी का है? हाँ? क्या किसी को पहने हुए देखा था ये रिस्टबैंड? नहीं। जेठ भैया, अंकिता दीदी, ये मैम, मैम प्लीज रुकिए, शामिल है भैया, भाभी है वो, मैम देखने लीजिए, भैया, प्लीज, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वैसे नहीं जा सकते। पर मेरे भैया भाभी आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैम, मैं समझती हूँ, प्लीज कंट्रोल कीजिए अपना, शांत हो जाइए। हेलो, सर ये तो भाग गई, जरूर कुछ गड़बड़। गाड़ी बहुत तेज चला रही है।
एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये शिल्पा इसके भैया भाभी को अभी भी गोली लगी है, उनकी लाश को छोड़ के इतने हड़बड़ाहट में जा रही है। धोनी का राइट हैंड होकर तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? मुझे माफ कर दो टोनी भाई। तुमने टोनी का नाम मिट्टी में मिला डाला और अब जो नुकसान हुआ है उसका क्या करूं मैं? पहले तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा क्या करूं? शिल्पा, तुमने मेरे भाई भाभी को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। शूटिंग का सेट नहीं, टोनी का डैन है, समझी? यहाँ से कोई नहीं बच पाया आज तक। ए शमीम, बांधो इसे। झूठ नहीं बोल रहा सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, सच बोल रहा हूँ सर। तो फिर तुम्हारे फोन से शिल्पा को खबर कैसे पहुंची कि उसके भैया भाभी का खून हुआ? बताओ कैसे पहुंची तुम्हारे फोन से? मेरे फोन से? हाँ, तुम्हारा फोन। मेरा फोन तो सर कल दोपहर को ही चोरी हो गया था सर। इसका फोन तो कल दोपहर को ही चोरी हो गया था? अच्छा, पैसे लेकर लोगों को मारते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना लोगों को मारने का? सर, सर मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ सर, मैं किसी को नहीं मार सकता सर। तो फिर शिल्पा क्यों कह रही है कि तुमने उसके भैया भाभी का खून किया? सर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या हो रहा है ये सब? सर सर दो दिन पहले ही आई थी मेरे पास पैसा लेकर सर, अपने आपका खून करवाने के लिए। ये कैसे हो सकता है? इन्होंने अपने आप को मारने के लिए पैसे दिए? वही तो। शिल्पा, बताओ क्या टोनी सच कह रहा है? बताओ शिल्पा, क्या तुम पैसे लेकर गई थी टोनी के पास अपने आप का खून करवाने के लिए? गई थी या नहीं? ये सच बोल रहा है, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मरना चाहती हो, जीना नहीं चाहती? बता कितना बड़ा जुर्म करने जा रही थी तुम? टोनी का पता कैसे मिला तुम्हें? किसने दिया पता टोनी का? अकुल ने। वो मेरे घर काम करने वाली बाई निर्मला का पति है। बकुल और निर्मला, उठाओ इस बकुल और निर्मला को, लेकर आओ। जी सर। इस रिस्टबैंड को पहचानते हैं? नहीं सर। ठीक, पंकज जरा टोनी से प्यार से पूछताछ करो। हाँ, प्यार से देखो जरा, ये टोनी वाकई सचमुच छोटा मोटा चोर है या फिर कोई और? मगर प्यार से। सच बोल रहा हूँ सर, मैं। आइए, माफ कर दीजिए सर। आइए आइए सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। चलिए चलिए सर। हाँ तो शिल्पा, बात बताओ, क्या किसी की दुश्मनी है तुम्हारे परिवार के साथ? क्या तुम्हें किसी पर शक है? सोच कर बताओ।
हाँ? आ गया मुझे और मेरे परिवार को खत्म करने के लिए। कौन है अंशु और तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मुझे नहीं पता, वो कुछ महीनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। एक बार तो उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। मम्मी, सर, मेरी मम्मी, वो बसे में अकेली रहती है सर, वो उन्हें मार देगा सर, अंशुल उन्हें मार डालेगा सर, उन्हें बचा लीजिए प्लीज, उन्हें मार डालेगा। अंशुल बस सही। शिल्पा बस संभालो, कहीं भी नहीं। अंशुल, उसी ने किया ये सब, उसी ने मेरी मम्मी को खुद कर दिया। मम्मी संभालो अपने आप को, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारी मम्मी को, घबराओ मत। सर ये क्या है? ये रस्सी ये तो नहीं बता सकती है कि सुलोचना जी को किसने इस रस्सी से बांधा, लेकिन ये रस्सी ये जरूर बता सकती है कि ये आई कहां से। सर, आ रही है। सर ये अंशुल है। जब शिल्पा के मंगेतर की कार एक्सीडेंट से मौत हुई थी, तब से ये शिल्पा का रात दिन पीछा कर रहा है, लेकिन फिलहाल गायब। और ये बकुल और वो काम वाली निर्मला, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उनका कुछ पता नहीं सर। वो रिस्ट बैंड? सर उसकी फोटो पूरी मीडिया में भेज दी है, अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है तो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। शिल्पा की तबीयत कैसी है? सर श्रेया और पूर्वी दिन के 2600 घंटे उसके साथ में। 2600 घंटे? कपड़ा जिससे सुलोचना जी का मुंह बांधा गया था, इसमें से मुझे केमिकल मिला है। कौन सा केमिकल? टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन तो लकड़ी के पॉलिश में और रंगों में इस्तेमाल होता है। बॉस इधर भी देख लो, रस्सी ने बहुत काम की बात बताई है। इधर। ये क्या है सर? पंकज, ये मछली की चमड़ी के अंश। बॉस उस रस्सी पर 6 अलग अलग किस्म की मछली की चमड़ी के अंश मिले, सुखाई गई मछली के अंश।
सुखाई गई मछली के। तो इसका मतलब है खूनी वहां से आया था जहां पर मछलियां सुखाई जाती है और फिर रंग और लकड़ी के पॉलिश का काम होता है। अभिजीत सर, तो शिल्पा सो गई है और डॉक्टर अक्षत की दवाइयों से हमने उसे शांत भी कर दिया है। जी सर, सर उसकी माँ हॉस्पिटल में है और खतरे से बाहर। जी सर, मैं हर घंटे आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। ओके सर। उर्वी, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग लग रही है। मतलब? मतलब शिल्पा अपने आप को मारना चाहती है और बकुल उसे कॉन्ट्रैक्ट किलर टोनी के बारे में बताता है। वो बकुल जो खुद एक छोटा मोटा क्रिमिनल है और शिल्पा की नई मेड का पति। वो नई मेड जो कुछ दिनों से गायब है। ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? हाँ श्रेया, मगर जब तक हमें बकुल और अंशुल का पता नहीं चल जाता हमें ये मामला समझ में नहीं आएगा। तबीयत ठीक नहीं, तुम जाकर सो जाओ। शिल्पा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? कौन हो तुम दोनों? हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं शिल्पा। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं शिल्पा, हम सच बोल रहे हैं। हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं और यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए। झूठ, झूठ बोल रहे हो। अगर तुम दोनों सीआईडी से हो तो ये किस तरह का मेरे कब्जे के नीचे, किस तरह का ये? हम दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं है। शिल्पा के तकिए के नीचे ये गुड़िया कहाँ से है? हाँ, इस घर में तुम दोनों ही हो। तुम दोनों ही रखाइए। तुम दोनों मुझे मारने आई हो। तुम दोनों नींद में मुझे मारना चाहती हो। तुम कौन नहीं हो? तुम सीआईडी से नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ वरना मैं मार दूंगी। शिल्पा चाकू नीचे रहिए। निकलो, हम जा रहे हैं। पहले निकलो, चाकू नीचे रख दो। हम जा रहे हैं। छोड़ दो मुझे। शिल्पा इसकी हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दोनों शिल्पा के घर पर ही थी तो फिर ये गुड़िया उसके तकिए के नीचे आई कैसे? सर हम दोनों तो शिल्पा पर नजर रखे हुए थे। सर हमारे सामने तो वहाँ कोई भी नहीं है। पूरी कैसे कोई नहीं आया? कोई तो आके गया है, कोई तो आया था। सर हो सकता है हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही कोई शिल्पा के घर गया और उसी ने ये गुड़िया तकिए के नीचे रख दी। सर कोई ऐसा करेगा क्यों? गुड़िया को चाकू मार के रख दिया। डराने के लिए फ्रेडी, शिल्पा को डराने के लिए। कोई चाहता है कि उसकी तबीयत और खराब होती जाए और वो अपने आप को कुछ कर ले। सर हाँ डॉक्टर अक्षत, शिल्पा कैसी है? पहले से ठीक है सर, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, घर जा सकती है। घर जा सकती है? मगर उसकी तबीयत ऐसे खराब क्यों होते जा रही है? क्या वजह क्या है? सर इस बात की मुझे भी चिंता है, मैं पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर अब क्या करेंगे? एक बार वो मछली सुखाने वाले एरिया के बारे में कुछ पता चल जाए ना, तो उस आदमी के बारे में भी पता चल जाएगा जिसने शिल्पा की मां को मारने की कोशिश की थी। सीआईडी ब्यूरो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। उस रिस्ट बैंड के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? वो ट्रांसमैन कॉलेज की यूथ पार्टी का है
पार्टी का नाम है ग्रीन रेड सर्कल। ट्रांसमैन कॉलेज, ग्रीन रेड सर्कल यूथ पार्टी। हाँ सर, ये हमारी पार्टी का रिस्टबैंड है और कुछ खास मेंबर को ही दिया जाता है सर ये बैंड। हमको पता कैसे चलेगा कि किस खास मेंबर को दिया गया ये रिस्टबैंड? एक मिनट सर, भले जरा मेरे कैबिन में आना प्लीज। सर आपने कहा कि 15 जुलाई को खून हुआ, 16 जुलाई को सुबह में हमारे यहाँ रैली थी तो सभी मेंबर्स आए थे सर, अभी पता चल जाएगा। यस सर। अरे मले, 16 जुलाई को किसी को तुमने एक्स्ट्रा रिस्ट बैंड इशू किया था? नहीं, मैंने किसी को बैंड नहीं दिया। सर लगता है बहुत जल्दी में बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हैं। मेरा मतलब है कि मुझे कुछ याद नहीं। कमाल कर रहे हो, 15 मेंबर्स है जिसको हम ये खास रिस्ट बैंड देते हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें याद नहीं है। मैंने कहा ना मुझे कुछ याद नहीं है। चल कहां थी? और ये तुम्हारे माथे पे चोट कैसे लगी? क्यों मले जी, माथे पर ये चोट कैसी लगी है? कैसे लगी चोट? सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर। दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? सर बकुल। बकुल? सर, मैंने उन लोगों को नहीं मारा सर, सर उसके कहने पे मुझे ये सब काम करना पड़ा। कहाँ मिलेगा ये बकुल? सर यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। पक्का बकुल यहीं पे छुपा हुआ था? हाँ हाँ सर, मैं रोज उसके लिए यहीं पर खाना लेकर आ गया था उसे। तोड़ दो दरवाजा। अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कोना छान मारो। से शिल्पा पर नजर रख रहा था। सर, हाँ सर, ये देखिए सर, खून। देखो सर, यहाँ मछलियां भी सुनाई जा रही और नाव के रंगने का भी काम किया जा रहा है। ने भी शिल्पा की मां पर हमला किया था तो हमें यहाँ जरूर मिल जाएगा। मगर सर, शिल्पा की मां सुलोचना तो यहाँ से बहुत दूर रहती है, वसई में, तो क्या वो यहाँ से वहां जाएगा? पूछता भाई साहब, यहाँ पे काम करने वाला कोई आदमी वसई में रहता? वसई में नहीं साहब, यहाँ पे तो कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कहा था कि वो यहीं पे मिलेगा। क्या वो आई साहब? कुछ नहीं भाई साहब, वसई में मेरी एक आंटी रहती है। 15 तारीख की रात को एक आदमी उनसे मिला था, उसने कहा था कि जब भी जितनी भी मछलियां चाहिए यहाँ आ जाना। 15 तारीख की रात को? हाँ हाँ हाँ, 15 तारीख को एक आदमी गया तो था साहब, वो यहीं मेरे साथ पेंटिंग का काम कर रहा था और अचानक उसे फोन आया, बोले मुझे वसई जाना है अर्जेंट, और चला गया साहब, बीच में काम भी छोड़ गया अधूरा। अच्छा, वो आज आया काम? हाँ आया ना साहब, वो बैठा। शिल्पा का पीछा करना, उसे डराना, इसके लिए तुम्हें 1 महीने की सजा हुई थी ना? हुई थी या नहीं? जी सर। तो फिर सजा होने के बाद भी तुम वही हरकतें कर रहे हो? शिल्पा की मां को मारना चाहते हो?
क्यों? सर मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। तो फिर? मैं तो बस सर डराना चाहता था। क्यों डराना चाहता था? कि सर मुझे पैसे मिल रहे थे उसके लिए। पैसा मिलता था? कौन देता था पैसा? कौन देता था पैसा? सर बकुल। बकुल? लेकिन बकुल क्यों कर रहा था ये सब? क्या उसकी कोई दुश्मनी थी शिल्पा के साथ? नहीं सर, वो भी किसी लिए काम करता था। सर वो कौन हो सकता है? जो भी कोई है पंकज, वो शिल्पा को डरा डरा कर पागल बनाना चाहता है। नफरत करता है वो, बहुत नफरत करता है शिल्पा से। सर ये पीछा करना, शिल्पा की बीमारी, शिल्पा का खुद को मरवाने का प्लान और निर्मला का काम वाली बनकर घर आना, ये सब पिछले 5 महीने के अंदर अंदर ही हुआ है, उससे पहले नहीं। 5 महीने पहले? और 5 महीने पहले तो शिल्पा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका मंगेतर, क्या नाम है उसका, मानव, उसकी मौत हुई थी। तो रजत कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मानव की मौत का बदला ले रहा है शिल्पा से? कोई मानव का अजीज, कोई मानव का अपना? लेकिन सर मानव तो अमेरिका से आया था, उसका यहाँ कोई भी अपना नहीं। मगर किसी ने तो उसकी बॉडी ली होगी ना हॉस्पिटल से, किसी ने तो। बस तो फिर पता लगा हॉस्पिटल से कौन है ये मानव का अपना। यस सर। लेकिन सर ये बकुल गया कहाँ? उसका तो कुछ अता पता है ही नहीं। सर कहीं उसने बकुल को मार तो नहीं दिया? सर हॉस्पिटल से मेल आया, ये रहा मानव का अपना। ये है वो खूनी। क्योंकि शिल्पा खूनी है, इसने मेरे भाई को मारा है,
मानव को मारा इसने। तुम मानव के भाई हो? लेकिन मानव तो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, इसमें शिल्पा का क्या दोष? दोष है क्योंकि ड्राइव ये कर रही थी, इसकी लापरवाही की वजह से मेरा भाई मारा गया। मानव शिल्पा को प्यार करता था, उसने इसके साथ सगाई की थी, ये उसने हमें नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि मानव जानता था शिल्पा को हमारा परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा, ये जानकर मैं इंडिया आया। पर यहां मेरा भाई नहीं, उसकी लाश मिली। तो फिर तुमने शिल्पा को मारने का प्लान बनाया, क्यों? हाँ, क्योंकि शिल्पा की वजह से मेरे भाई की मौत हुई, और मेरे भाई के मरने की खबर से मेरी माँ की मौत हुई। मैं चाहता तो इसको तभी मार देता, लेकिन नहीं, मैं इसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। मैंने बदला लेने के लिए अपना प्लान बनाया। मैं बकुल से मिला, बकुल एक अपराधी था, जेल की सजा काट चुका था। मैं उससे मिला, उसने अपने साथ अंशुल और अपनी बीवी को मिलाया। बकुल की बीवी शिल्पा के घर नौकरानी बनके काम करने लगी थी, पर वो मेरा काम कर रही थी। वो मेरे दिए हुए ड्रग्स शिल्पा को मिला के दे रही थी। शिल्पा को उसकी वजह से डरावने सपने आते थे। शिल्पा कमजोर हो गई, उसे बुरे बुरे सपने आने लगे, और अंशुल 24 घंटे सेट पे उसके साथ उसके साये की तरह रहने लगा। जब शिल्पा को पागलपन के दौरे पड़ने लगे, मैं डॉक्टर बनके उसके जीवन में आया। मैंने बकुल की वाइफ को कुछ ड्रग्स दी शिल्पा को देने के लिए, जिन्हें खाके शिल्पा बेहोश हो जाती थी। उसी समय का इंतजार था। फिर तुमने बकुल को क्यों मारा? वो तो तुम्हारा साथी था ना? यही तो उसकी गलती थी कि वो मेरा साथी था, सब कुछ जानता था मेरे बारे में, और मुझे पता था कि तुम सबसे पहले उसके पास जाओगे, बस उसे पैरालाइज कर दिया, और वो कुछ नहीं बोल पाएगा। इलाज की तो तुम्हें जरूरत है अक्षत, बेवजह तुमने शिल्पा की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने ही अंशुल को कह के शिल्पा के भैया और भाभी पे गोली चला दी, पर तुमने शिल्पा की माँ को ट्रंक में बंद करके मारने की कोशिश की। क्योंकि इसकी वजह से मेरा परिवार तबाह हुआ था, सारे परिवार को मारना चाहता था मैं इसके। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मानव से प्यार करती थी, हम शादी करने वाले थे। मैंने मानव को नहीं मारा, वो तो एक एक्सीडेंट था। मैंने नहीं मारा मानव को, प्लीज मुझसे नफरत मत करो। काश तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारे भाई की मौत एक्सीडेंट में हुई है। शिल्पा ने नहीं मारा उसे, अब सारी जिंदगी तुम्हें जेल में ही काटनी होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।